Hello guys, I'm Ashwin and welcome to my YouTube channel. In this video, I'm gonna share with you 5 hair care myths that people still wrongfully believe. So let's get to it. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. Hey, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिथ नंबर 1 है कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हेयर कट करवाएंगे उतनी जल्दी आपकी हेयर की ग्रोथ जो है फास्ट हो जाएगी। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, आपको बहुत लोग एडवाइस भी करते होंगे कि आप फ्रीक्वेंटली एवरी मंथ हेयर कट लें, आपकी हेयर ग्रोथ जो है फास्ट हो जाएगी। पर ये दोस्तों एक मिथ है, बिकॉज हमारे हेयर जो है एंड से नहीं रूट से बढ़ते हैं। हमारे बालों की जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 0.5 इंचेस पर मंथ। तो अगर आप अपने बालों का एवरी मंथ अपने बालों को आप कटवा रहे हैं तो वो आपके बालों को और आपके लुक्स को रिफ्रेश करेगा, मेंटेन रखेगा, पर वो आपके हेयर ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं देगा। इससे ही मिलता जुलता एक और कॉमन मोस्ट पॉपुलर बिलीव है कि अगर आप अपने बालों को शेव कर लेंगे, अपने पूरे हेड को शेव कर लेंगे तो आपके बालों में डेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कभी कभी और भी बाल कम हो जाते हैं। तो ये जो डेंसिटी वाला चक्कर है ये कुछ नहीं है, ये भी एक मिथ है। जो हमारे हेयर के फॉलिकल्स रहते हैं वो जेनेटिक होते हैं। सेकंड मिथ है, अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने देना बेटर है ब्लो ड्राई से। तो जब भी आप ये वर्ड सुनते हैं ना बेटर, तो आप बोलते हैं पर बेटर फॉर वॉट एंड फॉर हु। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं और आपको ज़्यादा समय नहीं लग रहा है अपने बालों को ड्राई करने के लिए, सिर्फ 2-3 मिनट लग रहे हैं, तो बालों को नेचुरली ड्राई होने दीजिए। पर अगर आपके बाल लॉन्ग है तो मैं एडवाइस करूँगा कि अपने बालों में ब्लो ड्राई यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके बालों में पेनिट्रेट होते हैं और नेचुरल केराटिन जो आपके बालों में होता है उसको वॉश आउट करते हैं और आपके बालों को ड्राई बना देते हैं, रूखे बना देते हैं। तो ये मेन कारण है ब्लो ड्राई करने का। तो ब्लो ड्राई करना कैसे है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वॉच कर सकते हैं। थर्ड मिथ है, ड्राई स्कैल्प की वजह से डैंड्रफ होता है। आपको क्या लगता है, ड्राई स्कैल्प की वजह से होता है डैंड्रफ? नहीं, बल्कि होता है इसका उल्टा है। ड्राई स्कैल्प की वजह से नहीं, ज़्यादा ऑयली स्किन की वजह से होता है। तो अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो ऑयल लगाना बिल्कुल बंद कर दें। बाकी डैंड्रफ के सोल्यूशन के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, उसके लिए सबसे बेस्ट शैम्पू जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दिया है, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। फोर्थ मिथ है, अपने बालों को ज़्यादा शैम्पू करने से आपके बाल ख़राब हो जाते हैं। नहीं ब्रो, ये सच नहीं है। 3-4 टाइम वॉश करना हफ्ते के अंदर इनफ है। एंड द लास्ट, जो आपने बहुत बार उस मिथ को बिलीव किया है, तो फिफ्थ बिलीव है कि अगर आपके बालों में ग्रे बाल हो गए हैं, अगर आप उसको एक बाल को निकालते हैं तो उसके प्लेस पे 2-3 बाल और आ जाते हैं। रियली ऐसा होता है? तो लेट्स अप्लाई लॉजिक हेयर। अगर ऐसा होता है, अगर इस बिलीव पे चलें, तो ग्रे हेयर्स के पास वाइट हेयर के पास इवल पावर है। सेम एज अगर इस बिलीव को माने, अगर हमारे बाल थिक हैं, अगर उसको टीयर आउट करते हैं, उसको निकालते हैं, तो वहाँ पर और भी थिक हेयर होने चाहिए, राइट? तो सोल्यूशन इसका ये है, अगर आपके बालों में ग्रे बाल हो रहे हैं या 2-3 हैं तो इस नॉर्मल बहुत ही कॉमन बात है। अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो उसको कलर कर दीजिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है जस्ट लीव इट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।